हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। आज हम डिस्कस करेंगे समरी अगाथा क्रिस्टी के नोवेल द मर्डर ऑफ रोगर एक्रॉयड के बारे में। तो डेफिनेट सी बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नोवेल है, क्राइम फिक्शन है, और जो नोवेल लिखने वाली है वो है अगाथा क्रिस्टी। और मोर देन 60 प्लस शॉर्ट स्टोरीज और 30 प्लस नॉवेल्स लिखी हैं इन्होंने सेम कैरेक्टर हरक्यूल पोयरेट को लेके। हरक्यूल पोयरेट एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर है जो कि डिटेक्टिव का रोल निभाते हैं अगाथा क्रिस्टी के 33 नॉवेल्स और 60 प्लस शॉर्ट स्टोरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसी नॉवल के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो आप। तो डेफिनेट सी बात है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये रही नॉवल अपने पास। इससे पहले हम जो नॉवल है आपने देख ली, तो हम जा रहे हैं डायरेक्टली कैरेक्टर्स पे, कैरेक्टर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम समरी डिलीवर कर देंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो जो पहला कैरेक्टर स्टार्ट होता है अपना जेम्स सेपर्ड से। आप तो जो जेम्स सेपर्ड है, एक डॉक्टर है और एक फिजिशियन तो है ही, ये डॉक्टर भी कह लो आप, और इसे थोड़ी बहुत मैकेनिकल चीज़ों की भी नॉलेज है। वो मैकेनिकल चीज़ की नॉलेज इसको होना किस चीज़ की ओर इंडिकेशन कर रहा है ये हम बाद में जानेंगे। ये इंडिकेट कर रहा है डिक्टाफोन को लेके। डिक्टाफोन एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो और बाद में टाइम सेट करके उसे प्ले कर सकते हो। यही समझ लो कि म्यूज़िक प्लेयर की तरह एक, ठीक है। तो डॉक्टर जेम्स सेपर्ड रियली में एक डॉक्टर है, और वैसे तो हम समरी सुन रहे हैं फ्रेंड, तो इसलिए आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बता देना पहले ही कि डॉक्टर सेपर्ड ही एक्चुअली में मर्डरर होता है रोगर एक्रॉयड का, ठीक है। हम जैसे जैसे स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। धीरे धीरे जो ब्लेम है एक दूसरे पर आएगा स्टोरी में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब पे ब्लेम आएगा कि ये क्लियर हो सकता है, ये क्लियर हो सकता है, लेकिन फाइनली जो उभर के आता है सामने वो जेम्स सेपर्ड होता है, ठीक है, क्लियर। जेम्स सेपर्ड की बहन होती है कैरोलिन सेपर्ड। इसको कानाफूसी सुनने की आदत होती है, इधर उधर की बातें सुनती रहती है और सभी चीज़ों की नॉलेज इसे हो जाती है घर बैठे ही। इसे कुछ सर्वेंट जो होते हैं वो बताने लगते, मतलब बता देते हैं कि जो फनले पार्क्स में या फिर आसपास के एरिया में किंग्स अबॉट में ही रहते हैं ये, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे किंग्स अबॉट में रहते हैं। तो किंग्स अबॉट में क्या क्या चल रहा है ये सारे सर्वेंट आके इसे बता देते हैं इसको। हरक्यूल पोयरेट, अभी बताया तो मैंने कि 33 नॉवेल्स प्लस 60 शॉर्ट स्टोरीज में ये कैरेक्टर मिलेगा आपको अगाथा क्रिस्टी की क्राइम फिक्शन में। तो बेसिकली इस नॉवल, ये जो है कैरेक्टर, यहाँ पे स्टोरी में एज अ डिटेक्टिव रोल कर रहा है, और ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर है। आपको वैसे तो ये फिक्शनल कैरेक्टर है जो अगाथा क्रिस्टी ने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करा है नॉवेल्स में एज अ डिटेक्टिव रोल के लिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। मिसिस फेरस, तो मिसिस फेरस तो इस कहानी में आपको जिंदा मिलेगी नहीं, स्टार्टिंग में ही, वेरी स्टार्टिंग जो फर्स्ट पेज में आपको नॉवल के ये मिल जाएगा कि ये बेचारी पहले ही मर गई होती है, और इसी के मरने के केस से कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। ये हम बाद में जानेंगे इसे कौन ब्लैकमेल कर रहा था और इसको किससे प्यार हो जाता है, ये सारी बातें हम बाद में जानेंगे। आ जाते हैं हम रोगर एक्रॉयड में। रोगर एक्रॉयड एक्चुअली में प्यार करता है मिसेस फेरस से और वो मर गई होती है। आफ्टर दैट रोगर एक्रॉयड ही वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जिसके नाम से बुक है, मतलब टाइटल है बुक का, जो कि मर्डर ऑफ रोगर एक्रॉयड है। तो ये मरता है, ये बंदा क्यों मरता है बाद में देखेंगे, मतलब जब समरी डिलीवर करेंगे। इससे पहले आ जाते हैं राल पैटर्न पे। राल पैटर्न एक्चुअली स्टेपसन है एक्रॉयड का, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अपने पापा को, ठीक है। और इस पे सस्पेक्ट, जो सस्पेशन जाता है सबसे पहले, सस्पेशन कि किसने मारा होगा, तो सबसे पहले इसी पे जाता है, राल पैटर्न पे, किसी ने अपने अंकल को मारा होगा, अंकल या फादर बोल लो, है ना। मिसेस सिसिल एक्रॉयड, सिसिल एक्रॉयड एक्चुअली में एक्रॉयड की सिस्टर इन लॉ है, मतलब भाई की वाइफ कह सकते हो, ठीक है। और फ्लोर एक्रॉयड सिसिल एक्रॉयड की बेटी है। ये दोनों ही जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पल बढ़ रहे हैं अब रोगर एक्रॉयड के पैसों से, क्योंकि सिसिल एक्रॉयड के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, फ्लोर एक्रॉयड के पापा की भी डेथ हो चुकी है, मतलब वही है, सिसिल जब बेटी है तो सिंपल सी बात है उसके पापा की डेथ हो गई है ना। आगे बढ़ते हैं। जियोफ्रे रेमंड,
तो जियोफ्री रेमंड कौन है? जियोफ्री रेमंड रोगर एक्रोइड का सेक्रेटरी है। आगे बढ़ते हैं, हिसाब किताब वही करता है पैसों का, ठीक है। वो भी डेब्ट में जी रहा होता है ये बंदा जो है। राल पैटोन भी डेब्ट में जी रहा होता है, डेब्ट मतलब कर्जों में, कर्जों में, है ना। और ये जो सिसिल एक्रोइड की बेटी है फ्लोर एक्रोइड, ये भी जो है ऐसा ऐसी कैरेक्टर है ये भी, जो डेब्ट में जी रही है। डेब्ट के मतलब ये कि पैसों की इनकी इनकी नीड है और ये पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और फाइनली अब डेब्ट में आ गए हैं। तो डेब्ट कहाँ से पूरा करेंगे? कहीं ना कहीं से तो करेंगे। तो सभी के मन में एक चीज़ तो आपको कॉमन मिलेगी, जो भी दो तीन कैरेक्टर्स नाम बताए मैंने, कि पैसों की नीड थी तो ये पैसों के लालची थे। आगे आ जाते हैं मिस रसल के बारे में। मिस रसल हाउसकीपर है एक्रोइड के घर की, और इसका एक बेटा होता है जिसको वो बेटा मानने से इनकार कर देती है। बेटा मानने से इनकार नहीं कर देती, बट डिस्टेंस कर लेती है, अपने से दूर कर लेती है, जिसका नाम होता है, आगे पढ़ेंगे हम, शायद नाम है इसका, ये है नाम चार्ल्स केंट। हाँ, चार्ल्स केंट होता है इसके बेटे का नाम, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम जॉन पार्कर। जॉन पार्कर कौन है? जॉन पार्कर है बटलर, यानी कि खाना बनाने वाला, जो भी कह सकते हो आप। और सबसे पहला शक जाता है इसी पे कि इसी ने मारा होगा डॉक्टर से इसको रोगर एक्रोइड को। डॉक्टर सेपर्ड के पास जो फोन आता है कि रोगर एक्रोइड मर गया, तो इंजाम इस पे लगाया जाता है कि वो जॉन पार्कर ने करा था, बट एक्चुअली करा नहीं था पार्कर ने, किसी और ने करा था। हम स्टोरी में जान लेंगे, बाकी ये याद कर लो कि जॉन पार्कर जो था एक बटलर था। उर्सुला बॉन राल पैटन को, राल पैटन ने इससे गुपचुप शादी करी थी अपने फादर को बिना बताए, उर्सुला बॉन से, ठीक है। इससे शादी कर ली थी इसने, और इनका एक इनके बीच में जब शादी हुई थी तो उसने एक राल पैटन ने इसको एक रिंग दिया था, और रिंग में आर और यू था छपा हुआ, ठीक है। यू फॉर उर्सुला, आर फॉर राल पैटन। आफ्टर दैट जब इसको पता लगता है कि जो राल पैटोन है इसने मेरे को धोखा दिया है, क्योंकि इसकी शादी अब किससे फिक्स हो गई है? फ्लोर एक्रोइड से। तो इसके बाद ये फेंक देती है रिंग। वो पढ़ेंगे हम क्या था, बाकी आगे आ जाते। चार्ल्स कैटन बता कैंट बताई दिया मिस रसल की इल लेजिटिमेट सन कह सकते हो। इंस्पेक्टर अगलन वगैरह वगैरह ये सारे क्या हैं? रिसर्च करने वाली टीम है जो क्राइम को फाइंड करने में मदद करते हैं। बाकी सारे शॉर्ट कैरेक्टर्स हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं इसमें। अब आ जाते हैं हम अपने डायरेक्टली समरी पे। तो फ्रेंड्स, समरी के लिए अब देखते रहो, अभी जस्ट वी आर स्विचिंग दैट समरी। यहाँ से आप देख सकते हो जैसे मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड की समरी है ये, ठीक है। तो डॉक्टर जेम्स जो है, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मिसिस फेरर्स मर गई होती है ड्यू टू दी ओवरडोज ऑफ वेरोनल नाम की मेडिसिन से, जो कि एक स्लीपिंग मेडिसिन है, स्लीप नींद के लिए एक मेडिसिन है। वो खा के ज़्यादा ओवरडोज लेके मर गई होती है। डॉक्टर सेपर्ड जाता है उसका, मतलब देख के आता है कि यार रियली में मरी है कि नहीं, और कब मरी है, कैसे मरी है, मतलब थोड़ी सी जान वो करके आ जाता है तहकीकात सी, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर है तो चेक करना तो बनता ही था। तो चेक करके आ गया ही। आफ्टर दैट क्या होता है कि रोगर, अभी बताया तो मैंने कि रोगर एक्रोइड को प्यार हो गया होता है किससे? मिसेस फेरस से। मिसेस फेरस के जो ओरिजिनल हस्बैंड थे वो एक्चुअली मर गए थे। मर गए क्या गए थे? एक्चुअली जो बात फैली हुई है किंग्स एबॉट में अफवाह की तरह कि मिसेस फेरस ने खुद उसे पॉइजन देके मारा था। बाकी रोगर एक्रोइड है तो आप पूछोगे इसकी पत्नी कहाँ है, तो डेफिनेटली सी बात है इसकी पत्नी मर चुकी है। राल पैटोन स्टेपसन था। अब वो बेचारा अकेला तो रह नहीं सकता, तो इसने मिसेस फेरर से कर ली, मतलब वादा कर लिया शादी करने की। लेकिन अब शादी तो करता करता बाद में, लेकिन ये मिसेस फेरर्स मर गई। अब मिसेस फेरर्स जब मरी तो इसे रहा नहीं गया, तो इसने क्या करा, एक घर पे डिनर के बहाने डॉक्टर सेपर्ड को बुलाया ताकि वो डिस्कस कर सके, क्योंकि फ्रेंड था, है ना। तो डॉक्टर सेपर्ड क्या करता है, उनके घर पे जाता है। तो उसके घर पे जब जाता है तो वहां पे सिर्फ ये अकेला नहीं होता डिनर में, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मिसेस सिसर एक्रोइड, रोगर एक्रोइड की सिस्टर इन लॉ फ्लोरा एक्रोइड, इसकी बेटी, इसकी नीस, मतलब नीस, जियोफ्री रेमंड उसका सेक्रेटरी, मेजर ब्लंट उसका फ्रेंड, तो ये सारे लोग होते हैं वहां पे। आफ्टर दैट क्या होता है कि जब डिनर खत्म हो जाता है तो रोगर एक्रोइड बुलाता है सेपर्ड को अपने सीक्रेट, मतलब सीक्रेट रूम क्या, स्टडी रूम में। आफ्टर दैट वो बताता है कि यार ऐसे कैसे मर सकती है, मैं उससे प्यार करता था। वो सारी चीजें उगलने लगता है, मतलब सच्चाई उगलने लगता है कि मैं उससे प्यार करता था, और वो ऐसे कैसे बिना बताए मेरे से मर सकती है, मतलब बिना बताए मुझे कैसे मर सकती है वो भी ओवरडोज लेके। तो वो कहता है कि अगर वो मरी होगी तो डेफिनेट सी बात है मुझे, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेटर वगैरह छोड़ के गई होगी, क्योंकि ऐसी तो है नहीं वो, है ना। तो वो डॉक्टर सेपर्ड से यही चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है। फिर जो
बटलर होता है, वो लेटर लेके आ जाता है। वो लेटर को पढ़ने लगता है सेबर्ट के सामने। जैसे ही लेटर में नीचे लिखा होता है कि मैंने ना, मिसेस फेरस ने लेटर में लिखा होता है सुसाइड नोट में कि मैंने मतलब जो जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो, उसका नाम नीचे लिखा हुआ है, और मिस्टर एक्रॉयड प्लीज 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 तुम उस ब्लैकमेलर से मेरा बदला ले लेना मेरे मरने के बाद, ठीक है। तो जैसे ही नाम वो पढ़ता, इससे पहले वो कहता कि आज मैं पढ़ नहीं रहा इस लेटर को। आफ्टर दैट डॉक्टर से पर जिद करता है कि पढ़ दे, तो वो पढ़ता नहीं है क्योंकि ब्लैकमेलर का नाम लिखा रहता है, तो वो पढ़ता नहीं है। आफ्टर दैट वो निकल जाता है वहाँ से डॉक्टर सेपर्ड। लेकिन फ्रेंड्स, ये आगे की स्टोरी है कि डॉक्टर सेपर्ड तो निकल जाता है, ठीक है, लेकिन समरी कर रहे हैं हम तो बताना कंपलसरी होता है क्योंकि फिर स्टोरी लिंक नहीं हो पाएगी। तो एक्चुअली वो निकल तो जाता है उस टाइम पे, लेकिन वो निकल गया। आफ्टर दैट लोगों को दिखाने के लिए निकल गया डॉक्टर सेपर्ड, लेकिन पीछे की खिड़की से राल पैटर्न के जूते पहन के उसने रॉगर एक्रोइड की हत्या कर दी, सफाई से, बहुत ही सफाई से। जूते भी राल पैटर्न के पहने ताकि पता ही नहीं लगे कि रियली में क्या था सीन, पूरा माजरा क्या था, है ना। और आफ्टर दैट डिक्टाफोन को सेट कर दिया ताकि लोगों को लगे कि अभी भी जिंदा ही है, अभी भी वो किसी से बात कर रहा है, कि मतलब मेरे निकलने के बाद भी वो बात कर रहा था किसी से, ताकि पूरा का पूरा शक किसी और पे जाए, मेरे पे ना जाए। डॉक्टर सेफन ने इस तरह से प्लानिंग करी थी। तो चलो आगे की स्टोरी देखते हैं। मतलब जो फ्रंट में लोगों के सामने जो आ रही है वो चीज़ देखते हैं, वो तो चीज़ बाद में, अभी जो मैंने बताई ये बाद में सच्चाई उगली जाती है, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तब ये सारी सच्चाई आती है आगे। लेकिन आगे आगे की मलाई मलाई क्या थी, अभी मैंने ये तो पीछे का भी बता दिया आपको, आपका सारा इंटरेस्ट मतलब यहीं पे। अगर आपने बुक पढ़ी होती तो इंटरेस्ट बना रहता, फिलहाल तो अभी समरी कर रहे हैं तो इसलिए इंटरेस्ट खराब करने का पूरा पूरा हक है, क्योंकि समरी है, ये बताना कंपलसरी बन जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो आगे कैरी करते हैं। अब वो मिस्टर, जैसे ही सेपर्ड उसको कहानी सुना रहा होता है रोगर एक्रॉइड, आफ्टर दैट सेपर्ड निकल जाता है वहां से क्योंकि वो नाम बताने से इनकार कर देता है। सेपर्ड निकल गया, घर गया, कैरोलिन इंतजार कर रही थी, तो आफ्टर दैट वो डिनर वगैरह जो भी है लेके फिर सो जाते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग तो कर ही रखी थी डॉक्टर सेपर्ड ने वैसे। तो अब क्या है कि कोई फोन करता है और वो कैरोलिन को कहता है कि मतलब मैं बटलर बोल रहा हूँ। तो आफ्टर दैट ये फोन रिसीव करता है डॉक्टर सेपर्ड। डॉक्टर सेपर्ड फोन रिसीव करके जब करता है तो वो कहता है कि मैं बटलर हूँ और रोगर एक्रॉयड की हत्या हो गई है, हत्या, मर्डर, मर्डर हो गया है, तो तुम जल्दी से आ जाओ उसे। फिर आफ्टर दैट सेपर्ड जाता है फनले पार्क में दोबारा से। एक फ्रेंड चीज मिस हो गई थी, जब वो फनले पार्क से वापस आ रहा होता है अपने घर पे, है ना, तो बीच में उसे एक इंसान मिलता है जो कि फनले पार्क का रास्ता पूछ रहा होता है। उसका कॉलर खड़ा होता है, अजीब सी ड्रेसिंग स्टाइल होती है, हैट पहन रखा है, जो भी है मतलब इस टाइप से उसकी ड्रेसिंग स्टाइल है। वो एक्चुअली में चार्ल्स कैंट होता है, ठीक है, मिस रसल का एलिजिटिमेट सन। अब वो क्यों आता है, क्या आता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आफ्टर दैट वो जब जाता है डॉक्टर सेपर्ड उसके घर में, रोगर एक्रॉयड के घर में, तो बटलर कहता है नहीं मैंने तो नहीं फ़ोन किया था। तो ये जिद करके कहता है कि चलो मिलवाओ मेरे से डॉक्टर रोगर एक्रॉयड से, डॉक्टर सेपर्ड कहता है। तो मिलवाता है तो देखते हैं कि अरे यार गेट लगा हुआ है, खोल भी नहीं रहा। तो गेट ऐसे ही खोलता है वो, तो देखता है कि किसी ने खंजर से हत्या कर दी है। आफ्टर दैट वो कहता है कि इसको, बटलर को, कि कोई भी सामान मत छूना क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट आ गए तुम्हारे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, मे बी पुलिस तुम्हें पकड़ ले। तो आफ्टर दैट पुलिस को बताया जाता है, सारे मेंबर्स चौक जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा मतलब खून हो गया घर पे। तो आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, पुलिस आता है, रगलन वगैरह जो भी है करेक्टर से जो देखे थे हमने, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी स्टार्टिंग में ही, डैगर वगैरह से पता किया, तुसियन डैगर था कुछ ऐसे ही नाम था उस डैगर का। तो पूछने लगी कि कहाँ से क्या हिलाया गया है क्या नहीं, तो सारी चीज़ें नोट करी पुलिस ने कि कुर्सी कहाँ पे थी, ये कहाँ था, सभी से इन्वेस्टिगेशन करी, सबसे पूछा कि तुम उस टाइम पे कहाँ थे जब हत्या हुई थी। तो सभी ने कुछ ना कुछ बताया, सभी ने कुछ ना कुछ बताया। लेकिन उस टाइम पे देखो उस फ्रेंड्स जो स्टोरी बता रहा है, एक्चुअली में बताने वाला ही खुद डॉक्टर सेपर्ड है, तो जो पढ़ने वाला है स्टोरी को उसको तो लगेगा ही नहीं कि डॉक्टर सेपर्ड एक कातिल हो सकता है, बट एक्चुअली में वही कातिल है, छुपा हुआ कातिल है। चल रही है स्टोरी, जैसे भी चलते हैं हम आगे उसी के हिसाब से। चलो आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन टीम आई। अब इन्वेस्टिगेशन टीम के पहले जो हत्थे में चढ़ी वो बटलर, तो बटलर चढ़ी, फिर उसके बाद दूसरा शक जाता है राल पैटर्न पे, उसके जूते वूते चेक करती है इन्वेस्टिगेशन टीम,
तो पता लगता है कि वो जो जूते हैं, जूते के निशान, वो राल पैटर्न के जूते की साइज से मैच करते हैं, तो दूसरा शक इसी पे जाता है, क्योंकि वो था भी नहीं। तो लोगों को लगता है, पुलिस को लगता है कि ये राल पैटर्न ने हत्या करी और वो चला गया यहाँ से, है ना, और वो वहां पे था भी नहीं। एक्चुअली में वो कहाँ था, डॉक्टर सेपर्ड ने उसे एक पागल खाने में बंद कर रखा था। अब पागल खाना था या क्या था वो आई डोंट नो, मतलब आई थिंक दैट पागल खाना ही था वो, है ना। एक बार चेक कर लेना आप, अगर हो तो आपके पास बुक, एक बार चेक कर लेना। आई थिंक दैट वो पागल खाना ही था जहाँ पे उसने, हाँ, पागल खाना ही था फ्रेंड्स, जब डॉक्टर सैफर्ड ने उसको ये कह के वहाँ पे ये नहीं बताया था कि डॉक्टर सैफर्ड एक बहुत ही सातिर इंसान था, बड़ा ही अच्छा गेम खेल रहा था। उसने रोगर एक्रोइड के बेटे राल पैटर्न को क्या बताया कि तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, छुपा देता है, और इधर वो राल पैटर्न के जूते वूते पहन के सारा का सारा जो मर्डर का जो बोझ है वो राल पैटर्न पे डाल रहा है। तो राल पैटर्न पे शक जा रही है पुलिस का। अब इधर से फ्लोरा एक्रोइड डर जाती है कि यार मैं, ये तो मेरा मंगेतर है, फियंसी है, मेरी शादी होने वाली है, इससे इंगेज हूँ मैं पहले ही, अभी जेल चला जाए ये कैसे होगा, क्योंकि अगर राल पैटर्न जो था ऐसा करेक्टर था जिसके पापा यानी कि रोगर एक्रोइड की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता, किस मामले में, जमीन जायदाद, और जमीन जायदाद का फायदा अगर उसे होता तो सिंपल सी बात है फ्लोरा एक्रोइड को भी होता, क्योंकि वो वाइफ बन जाती, तो सारा का सारा डेब्ट इनका निकल जाता। तो रोगर एक्रोइड के मरने से सिर्फ एक को नहीं, बहुतों को फायदा था। जियोफ्री रेमंड जो एक सेक्रेटरी था उसको भी फायदा हो रहा था, मतलब सबको ही फायदा था, कहीं ना कहीं सभी पैसे के लालच में थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये कहानी, मतलब अभी ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो फ्लोरा एक्रोइड को डर लग जाता है कि यार राल पैटर्न को ना पकड़ ले पुलिस। तो राल जैसे तैसे फ्लोरा एक्रोइड एक डिटेक्टिव का जुगाड़ करती है, और डिटेक्टिव वही होता है अपना हरक्यूल पोयरेट, है ना। हरक्यूल पोयरेट अपना डिटेक्टिव होता है। उसके बाद राल पैटर्न पे शक ना जाए इसलिए वो डिटेक्टिव का इंतजाम करती है और डॉक्टर सेपर्ड को भी मिलवाती है। डॉक्टर सेपर्ड कहता है कि पुलिस कर रही है ना जांच, तो तुम्हें एक डॉक्टर, इसकी एक क्या कहते हैं, डिटेक्टिव की क्या जरूरत है। वैसे तो हरक्यूल पोयरेट अपनी डिटेक्टिव गिरी करना छोड़ चुका होता है, लेकिन ये कहता है कि चलो तुम्हारे कहने से ये मैं लास्ट केस ले रहा हूँ, इसके बाद मैं कोई केस नहीं लूंगा, है ठीक है ना, तो अभी लास्ट केस है सॉल्व करने का मेरा। तो उनके हिसाब से जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, देखो पुलिस अपना काम कर रही है और ये अपना काम, ये अपना दिमाग लगा रहा है, क्योंकि डिटेक्टिव जो होते हैं वो अपना ही दिमाग से कुछ भी कुछ जोड़ते हैं, कुछ भी कुछ करते हैं, एंड आफ्टर दैट सही रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। तो सभी का वो चेक करता है कि कौन कहाँ पे था, ये भी पुलिस की तरह एक बार चेक करता है। तो जो ये होती है क्या नाम इसका, फ्लोर एक्रोइड, फ्लोर एक्रोइड कहती है कि लास्ट टाइम मैंने अंकल जी को 9:45 पे, आई थिंक दैट 9:45 पे विश करा था, और किसी को, हाँ फ्लोरा कहती है कि 9:45 पे विश करा था, और 9:30 के बीच में मैंने, और 9:30 पे डॉक्टर सेपर्ट जो कहता है कि मैंने 9:30 पे उसे छोड़ा था, 9:30 पे मैंने छोड़ा था जब वो लेटर पढ़ रहा था। ये इसको डॉक्टर, इसको हरक्यूल पोयरेट को बताता है, तो लेटर भी खोजा जाता है तो लेटर तो मिलता नहीं है। एक्चुअली लेटर जो है डॉक्टर सेपर्ड अपने साथ ही ले गया होता है, ठीक है, डॉक्टर सेपर्ड अपने साथ ले गया होता है उस लेटर को, ताकि नाम ना पता चल जाए किसी को भी। तो पुलिस खोजती है उस लेटर को तो मिलता भी नहीं है। तो आफ्टर दैट ये क्या कहता है कि 9:30 बजे मैं छोड़ के गया था और 10:30 बजे वो मेरे को मरा हुआ मिला। अब फ्लोरा क्या कहती है कि मैंने 9:45 पे विश करा था उनको, और मैंने उसके बाद भी उसको, उनको बात करते हुए सुना था। तो बटलर जो होता है वो भी, वो कहता है कि हाँ मैंने भी उनको बात करते हुए सुना था, और मैंने जो बात सुनी थी मैं उसी का यूज़ करता ब्लैकमेल करने के लिए, किसको, रोगर एक्रोइड को, लेकिन ये उल्टा ही हो गया, रोगर एक्रोइड की हत्या हो गई। तो ये सारी चीज़ें एज अ इन्वेस्टिगेशन पता चलता है हरक्यूल पायरेट को। तो सभी को लगता है कि राल पैटोनी अभी तक है जो कि किलर है, बट
हरक्यूल पेरेट को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, और इन्वेस्टिगेशन में उसको ये पता लगता है कि कैसे जो चेयर थी अपनी जगह से हिली हुई थी, और चेयर क्यों हिली हुई थी मैं बता दूं, वैसे उस पे डिक्टाफोन रखा हुआ था, है ना, डिक्टाफोन रखा हुआ था जिसको डॉक्टर सेपर्ड, एक डॉक्टर था तो सिंपल सी बात है उसके पास एक बैग होता है, बैग में आराम से भर के वो डिक्टाफोन लेके चला गया था अगले दिन, अगले दिन नहीं जब वो वापस आया था। देखो जब, अच्छे से बता रहा हूँ मैं, सुनो आप, जब वो घर छोड़ के जाता है तो डिक्टाफोन को सेट करके जाता है कि इस टाइम पे बजेगा ताकि लोगों को लगे कि अभी भी ये किसी से बात कर रहा है, जबकि डॉक्टर सेपर्ड जा चुका है लेकिन अभी भी किसी से बात कर रहा है, ताकि डॉक्टर सेपर्ड पे शक ना आए। अब जब वापस वो बटलर के फ़ोन करने पे जाता है, जब उसकी हत्या हो चुकी होती है, जब वापस जाता है तो अपना चुपचाप बैग लेके जाता है, बैग में डिक्टाफोन डालता है और रफू चक्कर हो लेता है वहाँ से ताकि पता ही नहीं लगे, और उसी टाइम पे वो कुर्सी हिलाई जाती है। तो उस टाइम पे तो जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है हरक्यूल पोइरोट, तब तो नहीं पता लगता कि कुर्सी क्यों हिलाई गई थी, ये बाद में सारी सच्चाई उगल दी जाती है। चलो आ जाते हैं हम अपनी स्टोरी पे वापस। तो डॉक्टर सेपर्ड एक दिन क्या करता है, सभी को बुलाता है घर में और ऐसे कहता है कि सभी के पास कुछ ना कुछ है छुपाने के लिए। उस टाइम पे तो कैरेक्टर जितने भी होते हैं वो सारा कुछ नहीं बताते राल पैटर्न को, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई आने लगती है, धीरे धीरे सभी अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। सबसे पहले सच्चाई बताने वाले में होता है बटलर, वो ये कहता है कि मेरे को तो, मेरा प्लान ये था कि मैं चुपचाप बातें सुन लूँ रोगर एक्रॉयड की और मैं उसे ब्लैकमेल करूंगा, लेकिन ये उल्टा ही हो गया, रोगर एक्रॉयड मर गया। अब धीरे धीरे सच्चाई ये आती है कि जो फ्लोरा एक्रॉयड है 945 पे उसने तो विष करा ही नहीं था, वो एक्चुअली 945 पे पैसे चुराने गई थी, 40 यूरो अपने अंकल के सेफ से, ठीक है, वो पैसे चुराने गई थी, क्योंकि जब पैसे की खोज खबर की जाती है तो पता चलता है कि पैसे कम है उसमें, तो वो पैसे चुराने गई थी 945 पे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि सच्चाई आने लगती है, तो सच्चाई आने आने में ये पता लगता है कि जो फ्लोरा एक्रोइड है पैसे चोरी किए इसने। दूसरी चीज ये पता लगता है, कि जब इनका जो ब्लेम आता है फ्लोरा एक्रोइड पे, तो उस टाइम पे जो बट ये होता है मिस्टर ब्लंट, तो जैसे तो जो ये है हरक्यूल पोइरोट है ड्रामा के लिए कहता है कि फ्लोरा एक्रोइड मे बी द किलर है, लेकिन ये मेजर ब्लंट जो है ये सोचता है कि सही में किलर है, सही में ही मतलब कहीं इसको किलर ना घोषित कर दे, तो वो ये कहने लगता है कि यार मतलब मैंने करा ये कत्ल, लेकिन रोगर इसको हरक्यूल पोइरोट को तो पता होता है कि मतलब इसने नहीं करा कत्ल, तो वो पूछता है कि तुम सच्चाई बता दो सारी, तो मेजर ब्लंट सच्चाई बताने लगता है कि रियली में उसने कत्ल नहीं करा, बट उसने ये ड्रामा इसलिए किया क्योंकि वो फ्लोरा एक्रोइड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो हरक्यूल पोइरोट उसे ये विश्वास दिलाता है कि तुम जो प्यार करते हो उससे तो तुम ही प्यार करोगे, मतलब वो जो फ्लोरा एक्रोइड है वो बस जमीन जायदाद के लालच में रोगर उससे, रोगर एक्रोइड के बेटे राल पैटोन से एंगेज हो चुकी है, वो रियली में तुमसे ही प्यार करती है, तो फाइनली में तुम ही उससे शादी करना, वैसे भी अधेड़ उम्र का हो चुका है, होता ही है ना फ्लोरा एक्रोइड से प्यार करता ही। अब आगे आ जाते हैं, उसके बाद जो पोइरेट अलग से किसी और से पूछताछ करता है, और उसके बाद पता लगता है कि मिसेर रसल के पास भी छुपाने के लिए कुछ था, और ये था कि मिसेर रसल का एक इलिजिटिमेट सन था जिसका नाम था चार्ल्स केंट, मैंने बताया था। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते जो है रोकर एक्रोइड को वेयर हाउस में या समर हाउस में कह सकते हो कुछ मिलता है, वो मिलता क्या, गूस क्विल मिलता है, और गूस क्विल मिलता है और एक कुछ पीस मिलता है, आई फॉरगॉट द नेम, ठीक है कुछ मिलता है, चलो इतना याद रखो कि गूस क्विल तो मिलता है उसे। गूस क्विल क्या है, इसे इस्तेमाल किया जाता है हीरोइन को सूंघने के लिए, हीरोइन को सूंघने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ नशा, ठीक है नशा के तौर पे, तो जो अमेरिकन स्टाइल है सूंघने का नशा हीरोइन को, तो तो इससे ये पता लगता है कि कोई ना कोई नशेड़ी था जो एक्चुअली समर हाउस में प्रेजेंट था। बाद में ये पता लगता है कि मिस रसल का बेटा था, ठीक है, और मिस रसल भी ये सारी सच्चाई बता देती है उसे कि वो वही मिलने गई थी वेयर हाउस समर हाउस में, है ना। अब इनके बाद
जो सून फ्लोरा एंड मेजर ब्लंट आर एंगेज्ड, वो एंगेज हो जाते हैं, पोरेट ट्रेसेस द ओनर ऑफ द गोल्ड रिंग टू। अब ठीक है अब फ्रेंड्स, अब देखो अब जो नेक्स्ट सच्चाई उभर के आने वाली थी वो थी उर्सुला बॉर्न की, जो कि एक पार्लर मेड थी, है ना। तो जब वो पोंड में वो कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, कौन ये अपना हरक्यूल पोरेट, तो उस टाइम पे पोंड में जहाँ पे पोंड है वहाँ पे एक रिंग मिलती है जिसमें आर और यू छपा होता है। आर आर मतलब राहल पैटन, यू मतलब उर्सुला बॉर्न। तो ये उनके प्यार का प्रतीक था कि जब उनकी शादी हुई थी गुपचुप तरीके से राहल पैटन और उर्सुला बॉर्न की, तो उसने उसको रिंग पहनाया था। लेकिन जब उसको उर्सुला बॉर्न को फर्स्ट पता चलता है कि एक्चुअली में इसकी जो एंगेजमेंट है उसके साथ हो गई है, फ्लोर एक्रॉइड के साथ, तो वो फ्रस्ट्रेशन में रिंग निकाल के उंगली से फेंक देती है और वो वहाँ पे जाके गिर जाता है पॉन्ड में। तो ये भी एक सच्चाई उगला देती है इन कैरेक्टर्स की सच्चाई के बारे में, है ना। तो ये राल पैटर्न के बारे में बताती है। तो सभी सोचते हैं कि अभी भी कि राल पैटर्न ही एक्चुअली में अभी क्लियर है, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ था सारा कुछ। सभी अभी भी कन्फ्यूज हैं, सभी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सभी सच्चाई बता चुके होते हैं धीरे धीरे। पोरेट जो है, अब पोरेट को पता लगता है कि कुछ दिनों पहले रोकर एक्रोइड ने एक डिक्टाफोन खरीदा था और इसने ये भी नोटिस किया कि 9:30 बजे तक मतलब वो किसी से बात कर रहा था रोकर एक्रोइड। तो वो कहीं ना कहीं वो ना कहीं कहीं ना कहीं मतलब लिंक करता है स्टोरी को, और डॉक्टर सेपर्ड को दोषी ठहराता है। वो कैसे अपनी चीज़ों को अब लिंक करता है, वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सेपर्ड ने राल पैटर्न को कहीं छुपाया होगा, और असाइलम, देखो लोकल असाइलम वही होता है कि मतलब दिमाग का जहाँ इलाज किया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो असाइलम में कि हाँ। तो अब ये अपनी स्टोरी बनाता है कि कैसे उसने क्या करा होगा, डॉक्टर सेपर्ड ने एक्चुअली किल किया होगा। तो ये सारी स्टोरी बनाता है कि डॉक्टर सेपर्ड ने डिक्टाफोन को ऐसे ऑन किया होगा, फिर छोड़ दिया होगा, राल पैटर्न को कहीं छुपा दिया होगा, राल पैटर्न की जूते पहन के एंटर किया होगा ताकि सारा का सारा इंजाम राल पैटर्न पे आए। तो ये सारी सच्चाई अपने एक बार प्लॉट में तैयार करता है। सारी समरी जितनी भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी थी और जितना सच्चाई पता लगाया गया था जितने भी कैरेक्टर से, सबको वो जोड़ता है, कहानी बनाता है। आफ्टर दैट अगले दिन सबको बुला के एक जगह पे, और ये बोलता है कि मेरे को ये सारी सारी चीज़ें जो हैं पता लगी हैं, और रियली में जो मर्डरर कौन है मैं अगले दिन बताने वाला हूँ, मतलब अगले दिन मैं बता दूंगा। वो जब सारे चले जाते हैं तो वो डॉक्टर सेपर्ड से कहता है कि मुझे ना अब पता लग गया है कि कौन है किलर। तो डॉक्टर सेपर्ड कहता है कौन है किलर बताओ उससे, हरक्यूल पोयरोट से। तो हरक्यूल पोयरोट कहता है कि वो तुम ही हो। वो कहता है कि ये क्या मजाक कर रहे हो, तुम तो पागल वाली बातें कर रहे हो, मैं कैसे मर्डरर हो सकता हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है कि मुझे अब पता लग गया है, और तुमने वो सारी फिर बातें बताने लगता है कि तुमने ऐसे ऐसे किया था डिक्टाफोन वगैरह वगैरह ताकि इंजाम किसी और पे आ जाए, तुमने राल पैटर्न को छुपाया था, ये करा था वो करा था। ये सारी चीज़ें जब बता देता है तो, और अगले एक दिन मतलब एक दिन का टाइम देता है, तो डॉक्टर सेफर्ड को अकेला छोड़ देता है आफ्टर दैट हरक्यूल पोयरोट, वो घर चला जाता है। अब डॉक्टर सेफर्ड के माइंड में टेंशन थी कि यार इस मैं पकड़ा तो गया है ना, अब मैं बर्बाद ऐसे ही हो जाऊंगा, फाइनल मतलब मैं बर्बाद हो जाऊंगा अब जब मेरा नाम आएगा। तो वो क्या करता है, ओवरडोज ले लेता है वेरोनल मेडिसिन की, स्लीपिंग मेडिसिन है। आफ्टर दैट वो सुसाइड कर लेता है, डॉक्टर सेफर्ड खुद को मार डालता है ताकि उसका नाम खराब ना हो, और क्योंकि सब सारी सच्चाई तो पता लगी गई थी डॉक्टर सेफर्ड एक हत्यारा है। तो बड़ी ही ब्यूटीफुली तरीके से अगाथा क्रिस्टी ने इस नॉवल को प्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने। अगर आप नॉवल पढ़ते तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आता, मैंने सारा इंटरेस्ट ही ख़राब कर दिया डायरेक्टली बता के कि डॉक्टर सेपर्ड एक हत्यारा था। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी, ये थी समरी, और क्रिटिकली अगर एनालाइज करें थोड़ा सा तो डॉक्टर सेपर्ड के करेक्टर के बारे में तो ये पता लगता है कि जो डॉक्टर सेपर्ड था एक डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर वाला डॉक्टर का काम क्या होता है कि बचाना लोगों को, लेकिन इसने डॉक्टर वाला काम नहीं करा था, लोगों की हत्याएं की। इवन आफ्टर दैट खुद खुद लास्ट में डॉक्टर का काम ये होता है कि यार एटलीस्ट दूसरों को समझाना कि वो बेटर लाइफ प्राप्त कर सकते हैं, बेटर लाइफ बेटर कंडीशन हो सकती है, बट इसने खुद ही आत्महत्या कर ली, एक लॉस ऑफ लाइफ हुआ। तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक आयरनी है जो अगाथा क्रिस्टी ने कसी है अपने प्रेजेंट सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स ये था इस नोवेल, ब्यूटीफुल नोवेल मर्डर ऑफ रोगर एक्रोइड की समरी। अगर आप लोगों को ये जो समरी है पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको जरूर शेयर करना। फ्रेंड्स जो एक
मेन बात बताना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू, जो स्टोरी को लिंक करना काफ़ी हार्ड होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ही मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको दूसरे नॉवल्स की भी समरी चाहिए तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो लिंक पब्लिश हो रहा है मेरी साइट मेरी एट दी एंड ऑफ वीडियो, आप जाके यहाँ से देख सकते हो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय।